माशाल्लाह माशाल्लाह। केड़ी यूनिवर्सिटी पढ़दे हो? मैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तौबा तौबा, तो कुड़ी छोड़ी भी है कोई नहीं? नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने जलाल भुट्टा के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहेंगे जलाल भुट्टा। तो भाई ना, आप तो बहुत वैसे वेल लुकिंग हो, लेकिन इनके साथ क्यों? इस तरह देखे भाईजान, फिर से वही बात, इंजीनियर ने बात बच्ची की है, बहुत थोड़ा आदमी है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रऊफ खालिद है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चिनाब के पुल शहबाजपुर पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपको ये मौसम कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज दिन के वक्त जितनी गर्मी पड़ रही थी उसकी मुनासिबत से इस वक्त माहौल बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम सिर्फ इस माहौल की वजह से इस सैर व तफरी के लिए निकले हैं घर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सैर व तफरी के मौके मिले हैं और इस रोड के तो जितने बेनिफिट्स किए जाएं उतने कम हैं। सर आपने एक चीज़ बहुत फील की है कि जब भी जुम्मा का रोज होता है ना तो इधर बहुत रश होता है, तो आप इसकी क्या वजह देखते हैं? सर हमारे पास जलालपुर जट्टा में अगर देखा जाए तो हमारे लिए सैर व तफरी का अभी जो सा बेसिक ये थीम है वो हमारे पास यही एक पुल ही है, और हमारे पास ये शहबाजपुर है जहाँ बच्चे छोटे बड़े सब सैर व तफरी के लिए आ सकते हैं। तो सर एक चीज़ में बताइएगा कि लास्ट टाइम जलालपुर जट्टा में रोशन जलालपुर जट्टा के नाम से एक मनसूबा का इफ्तिताह किया गया, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो वाकई जलालपुर रोशन हो चुका है? सर मैं जहाँ तक मैं कहता हूँ रोशन नहीं हुआ। सर आपको नहीं लगता कि ये जो रोशनी हमें फ्राहम की गई है ये एक ज़ाहरी रोशनी है, हमें जबकि बातनी रोशनी की जरूरत है? लाइक हमें जलालपुर जट्टा में सफाई के जो निज़ाम है वो बेहतर होगा, या जैसा कि ट्यूशन कल्चर में गरीब तो लबाप के ऊपर उनको फोर्स किया जाता है कि आप ट्यूशन पढ़ें, जो ठेले वाले बाजार में मौजूद उनके जो मसाइल हैं, क्या आपको लगता है कि उन मसाइल पर काम हो बजाय के ये लाइटों के चार पोल लगवा के वो आपसे बोलें कि हमने आपका जलालपुर जट्टा रोशन कर दिया? सर ये तो देखा जाए तो हर पॉलिटिशियन अपना क्रेडिट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि गैस का अगर हमारे सीवरेज का हुआ है या गैस का हुआ है जो भी हुआ है वो सारे अपने अपने क्रेडिट्स लेने को चाह रहे हैं, अवाम की खिदमत के लिए कोई भी कोई काम नहीं कर रहा, अगर कहा जाए तो मुखलिसाना काम कोई भी नहीं कर रहा। थैंक यू। देखें आप स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट की कोई ऐसी यूनियन हो जो अवाम के मसाइल के लिए काम करते हो, क्या आपने कोई ऐसी यूनियन वगैरह बनाई है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल ऑफ लॉ इस वक्त सबसे बढ़ चढ़ के यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में किसी भी हवाले से काम हो कोई भी हमें हेल्प के लिए हाजिर करना चाहे बुलाए, भाई बड़े छोटे टीचर्स तक भी हमने जहाँ तक हमारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों रूल के अंदर रहते हुए हम उनके लिए ऑल टाइम दिन रात हाजिर होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, क्या हाल है? ठीक है ये अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर आप शहबाजपुर पुल पे मौजूद है, तो क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त? सर बहुत अच्छा मौसम है, हम सैर व तफरी के लिए आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय भी किया, मौसम भी बहुत अच्छा। हाँ वो तो हम देख रहे थे, आप सेल्फीज भी ले रहे थे और काफी ज्यादा एंजॉय करते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नज़ाफ़त अली, तो उनसे बात करेंगे, पंजाबी में बात करेंगे ताकि हम कुछ अपने कल्चर को भी साथ साथ लेके चलें। देखे उर्दू तो हमारी कौमी जबान है लेकिन पंजाबी भी हमारी मादरी जबान है, उसको साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर, की हाल चाल है? शुक्र जलाबाद है भाई। ए इत्थे तुसी शबाल पर खलोते हो तो की महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा भाई, महसूस कर रहे हैं, दिल में बहुत खुशी हुई है, आज आए हैं बहुत अरसे। मसलन की पानी वेख के खुशी हुई है? नहीं नहीं भाई, पानी वेख के नहीं, ये मौसम जी, मौसम ने एंजॉय करने वाले से जाए दे, बस बड़ी गर्मी से आते हूं तुसी मसलन सही एंजॉय कर रहे हो? जी जी आज से एंजॉय कर रहे हैं। आप तुसी हम दसो के जलालपुर जट्टा दी एक हॉबी की है ते कहानी की, तुहाडे कोल 10 सेकंड दा टाइम। जी भाई जान, जलालपुर जट्टा दी हॉबी है के इत्थे दे लोग बहुत मेहमान नवाज ने, लोकां दी हाजिर ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹਮ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਹਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੌਕਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मोहम्मद आकिब साहब आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं गोसिया मस्जिद जलालपुर जट्टा। जलालपुर जट्टा से, बहुत अच्छी बात है, तो मेरे शहर से बिलोंग करते हैं। तो सर आप तो मुझे सिंपली बताइएगा कि आप इधर शहबाजपुर में मौजूद हैं, तो आप इस क्यों इधर मौजूद हैं वैसे? सर वैसे इंजॉय करने आए। इंजॉय करने आए? देखें इंजॉय करने में आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं?
सर वैसे ही पानी देखने आए हैं, गर्मी है इस वजह से पानी ठंडा इधर तो ठीक जी ठीक हो गया। तो वैसे आजकल वो जलालपुर जट्टा में रोशन जलालपुर जट्टा के नाम से मनसूबा स्टार्ट किया गया है। अच्छा। तो आप अपना कमेंट दीजिए, इसके बारे में क्या समझते हैं आप? सर मैं समझता हूँ कि चार लाइटें लगा के इन्होंने बहुत बड़ा इफ्तिताह किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने जलालपुर जट्टा के बारे में? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे जलालपुर जट्टा, कुछ नहीं मतलब उसमें कुछ खास नहीं है। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ की आप जलालपुर जट्टा की एक हॉबी बताओ तो आप क्या बताओगे? रोशन जलालपुर जट्टा उसकी हॉबी है, अगर उसकी हामी बोल दो फिर आप क्या बताएंगे? टूटी हुई गलियां और टूटे हुए सड़कें। सलामुअलैकुम भाई, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम। वालेकुम सलाम, कितने कहना? अच्छा दादा पाए ना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम साहब, आपको तो मैं देख रहा था आप काफी अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे। तो सर आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं आप? बहुत अच्छे। किस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में स्टडी करते हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं। किधर? स्वीडिश कॉलेज। हाँ स्वीडिश कॉलेज में पढ़ते हैं भाईजान। देखे गुजरात का बहुत ही मशहूर कॉलेज स्वीडिश कॉलेज में पढ़ते हैं। सर माजिद के साथ आप इधर आ जाए। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। भाईजान आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है आप? तो किस चीज के स्टूडेंट हैं आप? मैं इंजीनियर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो बात पूरी शुरू है कोई नहीं? सीन ही नहीं, सीन ही नहीं है। देखिए ये यूनिवर्सिटी आप गुजरात की तरह इधर इनके पास भी कोई लड़कियां नहीं है, तो इसीलिए ये शबादपुर में मौजूद है भूंडी करने के लिए आए हैं। ठीक हो गया सर, आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया। तो सर आप इधर शबादपुर में मौजूद है, तो आप इधर मसलन क्यों मौजूद है? दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वो भाईजान एक इंजीनियर है, वो बोलते हैं कि हमारे लंगोटी के दोस्त हैं। आप अभी कॉलेज में हैं, तो ये लंगोटिया कैसा फिर हुआ? बचपन से एक मोहल्ले में रहते हैं और फिर लंगोटी ही होगी ना। हाँ ठीक है, मैं एक मोहल्ले के दोस्त हैं। ठीक है, तो भाईजान आप तो बहुत वैसे वेल लुकिंग हो, लेकिन इनके साथ क्यों भाई? ये आपने बहुत बेसिकली होता है ना, जो दोस्त होते हैं ना दोस्तों में वेल लुकिंग होना चाहिए। जिस तरह हम इस व्यू पॉइंट में आए हैं, हाँ। इस तरह देखिए भाईजान, फिर से वही बात, इंजीनियर ने बात बच्ची की है, बहुत थोड़ा आदमी है ये। ठीक है ठीक है, इसको वाली तरफ से ना। हाँ निजाम ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब ठीक है सही है। भाईजान देखिए इंजीनियर बंदा है, कोरोना पास करो यार। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है, ये इंजीनियर वाले भाई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये काफी सारे इनके मामलात हैं। ये इंजीनियर होते ही ऐसे हैं। ठीक है, ऊपर से आप इंजीनियरिंग कौन सी आपकी? हाँ ये हमें पता नहीं कौन सी इंजीनियर होती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।